हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। यूनिट थर्ड में हमने 4 लेक्चर देख लिए हैं। फोर्थ लेक्चर में हमने देखा था ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ेंगे आरएच फैक्टर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड डिजीज ऑफ ब्लड। ये 3 टॉपिक आज के एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम देखेंगे आरएच फैक्टर। जैसे हमने ब्लड ग्रुप देखा था तो उसमें 2 टाइप के ब्लड ग्रुप के सिस्टम थे। एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक आरएच फैक्टर सिस्टम। तो ये सेकेंड हमारा सिस्टम आ गया आरएच फैक्टर। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपको, या तो इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर इस पे आपको शॉर्ट नोट दे देगा। तो शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग हमने इस पे ड्रॉ किया है व्हाइट बोर्ड पे। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है। एन एंटीजन अक्रीव ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, मतलब एक एंटीजन होगा जो कहां प्रेजेंट होगा? आरबीसी की जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे मेनली प्रेजेंट होगा। मैनी ह्यूमंस अराउंड 85% एंड सम अदर प्राइमेट्स में ये मेनली प्रेजेंट होता है, मतलब पॉजिटिव होगा। इट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एज कोज ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज। ये मेनली जो हीमोलाइटिक डिजीज होती है न्यूबॉर्न बेबी में, उसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है। इनकम्पेटेबिलिटी इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी ये अपना रोल प्ले करता है। तो मतलब ये मेनली ये जो डिजीज होती उसमें इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है हमें। तो पहले इस डायग्राम, अगर आप 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ये डायग्राम बना देना, जिससे जो एग्जामिनर उसको दिखे कि हाँ इसको पता है कि एक आरएच फैक्टर क्या होता है और कहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो एक आरबीसी होगी और इसकी सतह पर ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव एंड एब्सेंट को बता देंगे हम आरएच नेगेटिव। इंडिया के अंदर 97% जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, उनमें आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और 3% में आरएच नेगेटिव। एंड वर्ल्ड में 80% में आरएच पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और 20% आरएच नेगेटिव होता है। अब नोट देख लेते हैं। जो इसका मतलब जो हीमोलाइटिक डिजीज में डिजीज कर रहा था कोज, ये क्या होती है? इट कोज इरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। तो आरएच फैक्टर से क्या कोज होता है? इट कोज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलाइसिस। क्या होता है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूब्रॉन। मेनली न्यूब्रॉन में ये डिजीज देखी जाती है। तो इसमें कैसे होगी, इसका एक थोड़ा सिंपल सा हम आपको एक ड्रॉ करके बताया है कि इससे कि कैसे ये डिजीज कोज होगी। तो अगर फादर में आरएच पॉजिटिव है और मदर में आरएच पॉजिटिव है, दोनों में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोनों में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो ये डिजीज कोज नहीं होगी। और आरएच अगर फादर में आरएच नेगेटिव है और मदर में पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है कि फादर के अंदर आरएच पॉजिटिव होता है और मदर के अंदर आरएच नेगेटिव होता है, तो इनके बीच ऐसी रिएक्शन होगी कि ये डिजीज कोज होगी। क्या होता है? द बेबी हैज इनहर्टेड द आरएच पॉजिटिव एंटीजन फ्रॉम द फादर। आरएच पॉजिटिव एंटीजन कहां से मिलेगा? फादर से। एंड द मदर डेवलप एंटी आरएच एग्लूटिनिन, मतलब मदर के अंदर एंटी आरएच एग्लूटिनिन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि जो आरएच फैक्टर आएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाएंगी मदर के अंदर। तो फ्रॉम एक्सपोजर टू फीटस आरएच एंटीजन, जो आरएच एंटीजन को एक्सपोज करेगी जो फीटस में प्रेजेंट होगा, इन टर्न द मदर एग्लूटिनिन डिफ्यूज थ्रू द प्लेसेंटा इन द फीटस। जो एग्लूटिनिन एंटीबॉडीज बनेगी मदर के अंदर, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चले जाते हैं एंड कोज करते हैं आरबीसी एग्लूटिनेशन। इसी को अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालाइसिस, रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेशन क्लंपिंग ऑफ आरबीसी। ये डिजीज हो जाती है। तो आशा करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक सिंपल मीन हो गया कि ब्लड को ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या फिर ब्लड को किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो मतलब, या कोई मतलब जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको अपन बोल सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या होता है डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इसकी डेफिनेशन ही आपको पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ होल ब्लड। होल ब्लड इसके अंदर इंक्लूड हो गया और इट्स कंपोनेंट सच एज ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, आप इजीली इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। इट कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशन सच एज मासिव ब्लड लॉस, मतलब ये लाइफ सेविंग सिचुएशन हो जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, लाइफ सेविंग हो जा मतलब इससे लाइफ भी सेव की जा सकती है। सच सिचुएशन जैसे ब्लड लॉस हो गया किसी पेशेंट के अंदर ट्रोमा से, इंजरी से, या फिर ब्लड लॉस हो जाएगा किसी पेशेंट में सर्जरी के दौरान, तो उसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम, रिप्लेस क्लोटिंग फैक्टर। अगर किसी ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उसको भी इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अगर ब्लड के अंदर जो आरबीसी है मतलब इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन रेगुलरली केयर नहीं कर पा रही है मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, तो उनको भी इंप्रूव कर सकते हैं। रिस्टोर ब्लड एलिमेंट दैट आर डिप्लेटेड, जो ब्लड एलिमेंट है डिप्लेट हो गए हैं उनको भी रिस्टोर कर सकते हैं। टू प्रोवाइड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी भी ब्लड के थ्रू दी जा सकती है। तो अब देख लेते हैं डिसऑर्डर कि अब ब्लड के बारे में हमने डिटेल देख लिया, ब्लड ग्रुप के बारे में देख लिया, आरएस फैक्टर के बारे में देख लिया, ट्रांसफ्यूजन के बारे में देख लिया। अब की बॉडी में ब्लड में डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, तो एक हमने पिछले पार्ट्स में स्टडी किया था एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है इसके अंदर, मतलब जो आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा ब्लड एनीमिया के अंदर। सेकेंड है हेमोफीलिया, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है फैक्टर नंबर 1, उसमें डिफेक्ट आएगा तो हीमोफीलिया कोज होगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसे डेंगू मलेरिया में डिक्रीज होता है। हॉर्किंस डिजीज, ये भी एक डिजीज है जो ब्लड में कोज होती है। ल्यूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर बोल सकते हैं, मेनली ये डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट करता है। नॉन हॉर्किंस डिजीज अदर देन हॉर्किंस डिजीज ये कोज होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ज्यादा मतलब इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, कुछ अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया कि ट्रू ब्लड डिसऑर्डर के नेम लिखिए तो वो आप लिख सकते हैं आराम से। तो आशा करता हूँ ये ब्लड हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था ब्लड का हमारे सिलेबस में दे रखे थे टॉपिक्स, वो सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बारे में हम देखेंगे और नेक्स्ट हमारी यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारा रेगुलर वीडियो चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। ऐसे ही हम आगे और सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे जल्द ही, तो पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं, तब तक आप भी इसको कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।